उज्जैन 7 अप्रैल को कलेक्टर आशीष सिंह ने सुबह 10:30 बजे माधव नगर कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने पीपीई किट पहनकर कोरोना पॉजिटिव वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल पूछा एवं अस्पताल द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर HP सोनानिया से कोरोना मरीजों की चिकित्सा व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि सामान्य लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में रखकर इलाज कराने की आवश्यकता नहीं है, वे होम क्वारंटाइन में रहकर भी उपचार एवं इंजेक्शन लगवा सकते हैं। IBN 24 न्यूज के लिए उज्जैन से दिलीप सिंह चौहान की रिपोर्ट। निरीक्षण कराया आपने कैसे? आज मेरे द्वारा माधव नगर अस्पताल जो कोरोना अस्पताल है उसका निरीक्षण किया गया है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना के संक्रमण की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम लोग अपने जो ऑक्सीजन बेड्स की संख्या है वो भी उतनी तेजी से ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास में 800 से अधिक ऑक्सीजन बेड्स हैं और कल हमने अमलतास में भी अपने पेशेंट जो हैं वो भर्ती कराना चालू कर दिए हैं। आज माधव नगर में जो मेरे द्वारा विजिट करी गई है उसमें भी ये पाया गया कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो लगभग पूरी भरी हुई है, लेकिन कम से कम 20 से 25 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग आज ही रेफर भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी घर जाने लायक स्थिति में हैं, क्योंकि उनको 3-4 दिन से न तो फीवर है न तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। राजन सूरी संस्थान भी हम लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें हमेशा डॉक्टर वहाँ पर रहेंगे, तो कुछ ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उनको वहाँ पर भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो हम लोग अगर ऐसे 20-25 डेली पेशेंट्स निकालने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से कि एक जो ये बात आती है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही, तो वो दोबारा कभी बात नहीं आएगी। सेम चीज़ आज मेरे द्वारा चरक और RDGRD का भ्रमण भी किया जाएगा, वहाँ पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था जमाई जाएगी। अभी हमारे पास में अमलदास में भी लगभग 200-250 ऑक्सीजन के बेड्स आराम से हैं, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि उज्जैन के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पर्याप्त रूप से इतनी संख्या है, अगर हम लोग ढंग से उनको मैनेज कर लें तो बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। कई सारे लोगों को रेमडेसिविर को लगाने के लिए भी यहाँ पर रखा जाता है, उनको भी हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बाहर ही रेमडेसिविर जो अपने घर पर लगवा सकते हैं या यहाँ पर 2-3 घंटे लगवा के वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनमें संशोधन की गुंजाइश है वो हमारे द्वारा करेंगे। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से बेड्स की कमी को यहाँ पर नहीं आएगी। 14 लोगों का प्रकरण दर्ज कराएंगे, आदेश जारी किए।